वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सिंपल रेसिपी, वो है सूजी के हलवे की। तो बहुत मज़ा आएगा आपको खाने में और बनाने में तो बहुत ही आसान है। तो आइए शुरू करते हैं ये रेसिपी। तो सबसे पहले हमें चाहिए यहाँ पे घी। तो एक कढ़ाई में मैं लगभग 125 ग्राम जितना घी गर्म करने वाली हूँ। हमें ये घी है इसे थोड़ा सा गर्म होने देना है, बाद में इसमें सूजी ऐड करनी है। अगर आप डायरेक्ट ऐड करते हैं तो कभी कभी लग जाती है, तो इसलिए हम यहाँ पे पहले घी को थोड़ा गर्म कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं ऐड करने वाली हूँ सूजी। तो यहाँ पे मैंने 125 ग्राम घी लिया था, उसके सामने मैं 250 ग्राम जितनी सूजी ले रही हूँ और इसमें ऐड कर दूंगी मैं। अब इस सूजी को हमें अच्छे से हिलाते हुए पकाना है। यहाँ पे हमें एक चीज का ध्यान रखना है, जब आप इसे पका रहे हैं तो आपकी गैस की जो फ्लेम है वह लो टू मीडियम ही रहनी चाहिए और आपको कंसिस्टेंटली हिलाते रहना है। इसे छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, वरना ये जल सकता है। तो इस तरह से हिलाते हुए लगभग इसे 10 से 15 मिनट लगेंगे पकने में। तो इस तरह से मैं इसे कंसिस्टेंटली हिलाते हुए पकाऊंगी। तो यहाँ पे मेरी सूजी को लगभग हिलाते हुए मुझे 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और इसमें थोड़ा सा कलर चेंज भी आ गया है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आने लग गई है। खुशबू आपको खुद सूंघनी पड़ेगी, मेरे बनाए हुए खाने की खुशबू आपको नहीं आने वाली है। तो अगर आप बना रहे हैं तो आपको ये चेंजेस ऑब्जर्व कर लेने हैं। तो आप देख सकते हैं ये लाइट कलर चेंज आपको दिखेगा, थोड़ी सी अच्छे से आपका जो कलर है रेडिश जैसा दिखने लग जाता है। तो अब इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ दूध। तो यहाँ पे लगभग मैं 500 ml जितना दूध ऐड कर दूंगी और ये दूध मैंने रूम टेम्परेचर पे लिया है। तो हमें डायरेक्टली रूम टेम्परेचर पे जो दूध होता है वही ऐड कर देना है इसमें। अब यहाँ पे दूध ऐड करने के बाद हमें एकदम अच्छे से मिक्स कर लेना है और ये जो दूध है पूरा अब्सॉर्ब हो जाता है सूजी में। तो तब तक हमें अच्छे से मिक्स करते रहना है ताकि इसमें लंप्स ना बन जाए, वरना गठाने पड़ जाती है कई बार। तो इस तरह से एकदम अच्छे से हिला लेंगे हम लोग। हमारा जो दूध है उसे हमें अब्सॉर्ब करवाना है, तो थोड़ी सी गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे हम लोग और इसे देखिए बॉइलिंग पॉइंट तक हमें आने देना है। फिर इसे बीच बीच में हिलाते रहना है हमें पकाने के लिए, ताकि ये कढ़ाई को लग ना जाए। हमारे सूजी के हलवे में आप देख सकते हैं हल्की हल्की बबलिंग चालू हो चुकी है। तो अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी पिसी हुई इलायची। तो यहाँ पे मैंने दो इलायची को मीडियम क्रश कर लिया है और इसमें मैं अच्छे से ऐड कर दूंगी और अच्छे से मिक्स कर लूंगी। तो आप देख सकते हैं सूजी के हलवे में दूध बिल्कुल पूरी तरह से अब्सॉर्ब हो चुका है। अब इसे मुझे 5 मिनट तक हिलाते हुए कंसिस्टेंटली मीडियम फ्लेम पे पका लेना है। तो आप देख सकते हैं कढ़ाई में किनारों से घी निकलने लगा है, मतलब मेरा हलवा बनके लगभग तैयार हो ही चुका है। तो इसमें हम फाइनली ऐड कर देंगे शक्कर।
तो यहाँ पे मैं लगभग 250 ग्राम जितनी शक्कर ऐड कर रही हूँ। इससे ये हलवा मीडियम मीठा होगा। अगर आप ज़्यादा मीठा प्रीफर करते हैं तो 50 ग्राम जितनी शक्कर आप और एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, और इसे भी हम अच्छे से एकदम इवनली मिक्स कर देंगे हलवे में। यहाँ पे हमें ध्यान ये रखना है, क्योंकि हलवा अब ठीक हो चुका है तो हमें एकदम कंसिस्टेंसी से मिलाना होगा हलवे में शक्कर को, वरना कुछ जगह ज़्यादा मीठा हो जाएगा और कुछ जगह मीठा नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने शक्कर को इवनली एकदम अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पे हमारे हलवे को और लगभग 1 से 1.5 मिनट के लिए हम हिलाते हुए पका लेंगे अच्छे से। तो आप देख सकते हैं हलवे की कंसिस्टेंसी एकदम थिक सी हो चुकी है, इसमें किनारों से घी भी निकलने लगा है और शक्कर भी अच्छे से अब्जॉर्ब हो चुकी है। तो हलवा एकदम बनके तैयार है। अब इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से काजू और बादाम को माइल्ड कट कर लिया है और ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल स्टेप है, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा लगता है इनका सूजी के हलवे में। बट अगर आपको ड्राई फ्रूट्स नहीं पसंद है तो आप ये स्टेप बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। आपका हलवा भी बिल्कुल उतना ही टेस्टी लगेगा जितना ड्राई फ्रूट्स के साथ। तो हलवा मेरा बिल्कुल बनके तैयार है, चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन और टेस्टी मेरा सूजी का हलवा बनके तैयार हो चुका है। आई होप ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करेंगे और आपको भी उतनी ही पसंद आएगी जितनी मुझे पसंद है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ नोटिफिकेशन आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और लाइक और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लग रही है, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर कीजिए।